जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वारो, 13 अक्टूबर मंगलवार का दिन, मघा नक्षत्र शुभ योग। आपकी राशि तुला पर केतु और सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, राहु और शुक्र की दृष्टि। आज शुभ काम को करते हुए सत्ता का सुख, स्त्री का प्यार, परिवार का स्नेह। मघा नक्षत्र का अर्थ होता है बलवान, महान, शक्तिशाली। पिछले कुछ दिनों में जो भी आप अच्छे काम किए हैं उसका शुभ फल आज आपको प्राप्त होगा। अपने अच्छे संस्कार से सुख, कर्म से धन, व्यवहार से मान सम्मान, संतुष्टि, समृद्धि, सुख ही सुख। तुला राशि वालों, आज केतु और सूर्य का प्रभाव आपको बहुत बलवान भाग्यशाली बना रहा है। आज जीवन में आप बहुत सारे काम करेंगे, आपके जीवन में समृद्धि और सुख बढ़ेगा, भाग्य बदलेगा, क्योंकि चंद्रमा की छाया आज आपके लिए शुभ है। चंद्रमा आपकी राशि तुला के लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। वहीं राहु और शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी, आज का दिन मघा नक्षत्र शुभ योग में, सच में आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आज का दिन भाग्य को बदलने वाला है। आज का दिन जीवन में धन संपत्ति का सुख और खुशी देने वाला है। तुला राशि वालों, मघा नक्षत्र शुभ योग में केतु, सूर्य, चंद्रमा की छाया, राहु और शुक्र की दृष्टि। तुला राशि वालों, आज का दिन नई उपलब्धि, नई पहचान, सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, उन्नति और तरक्की प्राप्त करने वाला दिन है। तुला राशि वालों, मघा नक्षत्र शुभ योग में जब केतु और सूर्य का प्रभाव आपके राशि तुला पे होता है, चंद्रमा की छाया होती है, राहु और शुक्र की दृष्टि होती है, ऐसे में तुला राशि वालों का संकल्प ही बल होता है। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं और आपके अंदर परिवर्तन के गुण होते हैं, जिसके कारण आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तुला राशि वालों, मघा नक्षत्र आज आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा जागृत करेगा। अपने परिश्रम, अपने प्रयास, अपने साहस, अपने हिम्मत से आज आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, तरक्की, उन्नति, समृद्धि, क्योंकि आज मघा नक्षत्र शुभ योग में तुला राशि के अंदर इच्छाएं प्रबल होती है, भाग्य का साथ मिलता है। जिस इंसान के अंदर कुछ पाने की लालसा आ जाती है, कुछ पाने की इच्छा आ जाती है, और अगर वो मेहनत करता है तो हमेशा अपनी मंजिल को पा लेता है। तुला राशि वालों, अगर आपकी राशि तुला है तो इस राशि फल को अंत तक देखें और राशि फल में बताए हुए उपाय को अवश्य करें, जिसके करने से आपके जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि की वृद्धि होगी। तो तुला राशि वालों, पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। आज मंगलवार का दिन है, साथ ही साथ अपनी राशि को लाइक करें। तो तुला राशि वालों, आज हम आपको बताएंगे मघा नक्षत्र शुभ योग में आज का दिन आप कौन सा उपाय करें जिससे आपके जीवन में लाभ और तरक्की हो। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, बच्चों की उन्नति, घर में सुख शांति बनी रहे। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशि फल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की दशा, आज का पंचांग। आज 13 अक्टूबर मंगलवार का दिन है। आसीन माह
कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मघा नक्षत्र शुभ योग। आज आपकी राशि तुला पर केतु सूर्य का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, राहु और शुक्र की दृष्टि है। केतु इस समय आपकी राशि तुला के तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, जबकि सूर्य का गोचर आपकी राशि तुला के बारहवें भाव में है। चंद्रमा लाभ स्थान यानी आपकी राशि तुला के ग्यारहवें भाव में उदय हुआ है। आज चंद्रमा की छाया आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाएगा। राहु आपकी राशि तुला के अष्टम भाव में बैठा है, जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है। शुक्र आपकी राशि तुला के लाभ स्थान में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है, वहीं सूर्य चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तुला राशि वालों, केतु सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, राहु और शुक्र की दृष्टि, नक्षत्र की बदलती चाल, ग्रहों की दशा। आज का शुभ मुहूर्त 12:18 से 2:49 तक। आज का राहु काल 3 से लेकर 4:27 तक है। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। तुला राशि वालों, आज अमृत योग बन रहा है, जो रात्रि 8:40 से 10:10 तक रहेगा। ये अमृत काल आपके भाग्य को बदलेगा। तुला राशि वालों, आज आपकी राशि तुला पर केतु और सूर्य का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, राहु और शुक्र की दृष्टि है, मघा नक्षत्र है, शुभ योग है, एकादशी की तिथि है, कृष्ण पक्ष का समय है। ऐसे में दिन की शुरुआत उत्तर दिशा की तरफ से ना करें। आज आपके लिए लक्की कलर रेड होगा, आपका लक्की नंबर 1 होगा। तुला राशि वालों, आज का दिन मघा नक्षत्र शुभ योग में, जब आपकी राशि तुला पर केतु और सूर्य का प्रभाव होगा, ऐसे समय में बड़ी सफलता के लिए समय शुभ है। अपनी सोच को बदलो, अपने कर्म पर विश्वास करो, मेहनत से अपने जीवन में तरक्की के लिए प्रयास करो। आपका दिन बदलने वाला है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, बड़ी सफलता, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख, जीवन में खुशी को बढ़ाने वाला मघा नक्षत्र शुभ योग, सूर्य और केतु का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, राहु और शुक्र की दृष्टि। आज आपके जीवन में प्यार, पैसा, सुख, शक्ति और सत्ता का सुख दे रहा है। आज का दिन बहुत शुभ है। मघा नक्षत्र में जब शुभ योग आता है तो तुला राशि का भाग्य उदय होता है। तुला राशि वालों, जीवन की हर बाधा पर विजय प्राप्त करेंगे, हर परिस्थिति में जीत आपकी होगी, जिंदगी बदल जाएगी। भाग्य को चमकाने के लिए थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा प्रयास करें। आज का दिन नई उपलब्धि, नई पहचान प्राप्त करने वाला दिन है। आज का दिन अपने जीवन में जीत और परिवार में सुख प्राप्त करने वाला दिन है। तुला राशि वालों, आज मंगलवार का दिन है। आज का दिन आपके भाग्य को बदलेगा। आपके जीवन में कठिन समय गुजर गया है, यह समय बहुत उत्तम है। ऐसे समय में जीवन का सुख, जीवन में प्यार, तरक्की और उन्नति देखने को मिलेगी। नौकरी, पढ़ाई, व्यापार, सब कुछ अच्छा चलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी का प्यार आपको संतुष्टि और आपके घर में समृद्धि को बढ़ाएगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ लाभ के स्थान में बैठा है। सूर्य और केतु का प्रभाव, राहु की दृष्टि, आज आपके जीवन में बहुत सुख सौभाग्य का योग बना रहा है। तुला राशि वालों, ऐसे में आपके भाग्य बदलेंगे, आपके जीवन में बड़ी सफलता, भाग्य में खुशखबरी, जीवन में धन संपत्ति, सब कुछ मिलेगा। तो तुला राशि वालों, आज हम आपको बताएंगे मघा नक्षत्र शुभ योग में आप क्या ऐसा उपाय करें ताकि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो तुला राशि वालों, मघा नक्षत्र शुभ योग, जब आपकी राशि तुला पर केतु और सूर्य का प्रभाव है,
चंद्रमा की छाया है, राहु और शुक्र की दृष्टि है, दिन मंगलवार का है, ऐसे में आज आप हनुमान जी की पूजा करें। पर आप हनुमान जी की पूजा कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। ध्यान से हमारी बातों को आप सुनिएगा। तुला राशि वालों, सबसे पहले मंगलवार के दिन धूप दीप जलाकर आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। संकट मोचन कृपा निधान, संकट से रक्षा करने वाले हनुमान आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेंगे। तुला राशि वालों, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते समय एक बात का ध्यान रखें, सबसे पहले आप हनुमान जी की शक्ति को जागृत करें। कुछ इस प्रकार आप बोले, कही ऋषिपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहु बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहो को डरना। तुला राशि वालों, ऐसा बोलकर जब आप हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी की शक्ति जागृत होगी और आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके भाग्य को बदलेगा। तुला राशि वालों, अपनी राशि को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम तुला राशि वालों का राशि फल लेकर आते हैं। तो तुला राशि वालों, आज का दिन मघा नक्षत्र और शुभ योग में आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना जागृत होगी। आज आपका साहस, आपका सौभाग्य आपके भाग्य को बदलेगा। आज वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, सफलता और कामयाबी से मन में खुशियां बढ़ेगी, धन आएगा, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, आप स्वाभिमानी होंगे, तेजस्वी होंगे, सांसारिक सुखों का भोग करेंगे, परिवार की उन्नति, काम में सफलता, आपकी खुशी आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा। आज मघा नक्षत्र शुभ योग में दिन बहुत शुभ है, ऐसे में आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा धैर्य के साथ मेहनत और परिश्रम से करें, क्योंकि भाग्य अच्छा है, भाग्य के सितारे बुलंद हैं, ग्रहों की दशा आपकी राशि तुला पर अच्छा योग बना रही है, ऐसे में धन संपत्ति के साथ खुशियां और सफलता आपको अवश्य मिलेगी, आपके बच्चों का कल्याण होगा, आपके जीवन में नौकरी की जो समस्या है, साथ ही साथ पैसों की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये मघा नक्षत्र शुभ योग आपके जीवन में आपकी समस्याओं को खत्म करेगा, आपकी परेशानियों का अंत करेगा। तो तुला राशि वालों, आज मघा नक्षत्र और शुभ योग में केतु सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, राहु और शुक्र की दृष्टि आपके जीवन में सुखमय आनंददायक योग बना रहा है। आज प्यार, परिवार, नौकरी, पढ़ाई, हर जगह उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। पिछले दिनों में आपने जो भी अच्छा काम किया है उसका अच्छा फल आज आपको मिलेगा। अपने अच्छे संस्कार से आप सुख प्राप्त करेंगे, अपने कर्म से धन प्राप्त करेंगे, व्यवहार से मान सम्मान, संतुष्टि, समृद्धि, सुख ही सुख आपके जीवन में, सब कुछ अच्छा चलेगा। मेहनत करें, हिम्मत से काम लें, साहस और परिश्रम से अपने भाग्य को अवश्य बदलें। तो तुला राशि वालों, आज मघा नक्षत्र शुभ योग में मंगलवार के दिन आपके लिए शुभ फलदायी है। तो राशि फल जानने के बाद कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा, उन्नति और तरक्की होगी। हमारे बताए हुए उपाय को अवश्य करें, आपके जीवन में लाभ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अपने राशि फल को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो, संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान।